नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। नई दिल्ली में कार्बन मुक्त ईंधन बनाने के लिए तकनीक विकसित करने में जुटे गुजरात बायोटेक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक। बदलते मौसम और तेज हवा से दिल्ली में प्रभावित हुई फ्लाइट्स, कुछ ही उड़ान देरी हुई तो कुछ को किया गया डाइवर्ट। राजस्थान के अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ गहलोत सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। डिप्टी सीएम पवार का नवनीत राणा पर निशाना, पूछा क्या हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आपके पास घर नहीं है। तेज प्रताप यादव ने दी पार्टी से इस्तीफे की धमकी, इफ्तार में कार्यकर्ता की पिटाई से है नाराज। न्यू इंडिया का न्यू नया नारा, हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। महंगाई और रोजगार को लेकर राहुल का केंद्र सरकार पर हमला। संजय राउत बोले, चालीसा के नाम पर माहौल मत खराब करो, बीजेपी का पलटवार, महाराष्ट्र में हिंदुओं को नीचा दिखा रहे। गर्मी से राहत का दौर खत्म, दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में भयंकर लू की चेतावनी। कर्नाटक में 6 छात्राओं ने नहीं हटाया हिजाब, परीक्षा दिए बिना वापस लौटी घर। हिजाब के बाद कर्नाटक के एक स्कूल में बाइबल पढ़ने पर विवाद, शिक्षा मंत्री ने कहा ऐसा करने की अनुमति नहीं, करेंगे बड़ी कार्रवाई। भारत ने फहराया 1,78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देश का नाम हुआ दर्ज। अन्य गेहूं उत्पादक राज्यों में फसल का मिल रहा अधिक मूल्य, लेकिन कृषि सुधार विरोध का खामियाजा उठा रहे पंजाब के किसान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हालत पतली, आंतरिक सर्वे में 70 में से 3 विधायकों का प्रदर्शन कमजोर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,483 नए मामले, कल की तुलना में 2.2% कम। बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोली, मेरे नाम से फैलाई गई फेक FIR अब करेंगे शिकायत दर्ज। चंदौली में आग ने धारण किया विकराल रूप, आग की चपेट में 16 मकान जलकर खाक, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। गाजीपुर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने की शिरकत, सभा पर जमकर बरसे दयाशंकर मिश्र। गाजीपुर में गोली मारकर व्यापारी से 2 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, घायल व्यापारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजीपुर में गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह की पीट पीट कर हत्या, माफिया त्रिभुवन सिंह के गैंग का था सदस्य।
गाजियाबाद में नगर निगम की बड़ी लापरवाही, खुले सीवर में गिरा बच्चा, गुस्साए लोगों ने नगर निगम पर लगाया गंभीर आरोप। गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर से लोगों में दहशत, पति पत्नी और बेटी की गला काटकर हत्या, हत्या के मुख्य आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। कानपुर में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, करोड़ों की चरस के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार, इंटरनेशनल मार्केट में चरस की कीमत करीब 4 करोड़ बताई जा रही। गाजियाबाद में चेकिंग अभियान के दौरान मुठभेड़, पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार, पुलिस की गोली से एक बदमाश हुआ घायल। गोरखपुर में छात्रों के दो गुटों में हुई हिंसक झड़प, ताबड़तोड़ फायरिंग में छात्रों को लगी गोली। रायबरेली में किसानों को मिली बड़ी राहत, आग से नष्ट हुई फसलों पर मिलेगा मुआवजा, तहसील कर्मियों को आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए निर्देश दिया गया। रायबरेली में घूसखोर लेखपाल का वीडियो वायरल, अपात्र उठा रहे योजनाओं का लाभ, सरकारी योजना के तहत गरीबों को जमीन के पट्टे दिए जा रहे हैं। अलीगढ़ में शादी में शामिल होना पड़ा भारी, व्यापारी के घर बदमाशों ने मचाया उत्पात, जेवरात और नकदी लेकर बदमाश फरार। कौशाम्बी में शादी बनी जंग का अखाड़ा, बारातियों पर गेस्ट हाउस मालिक ने छोड़ा खूंखार कुत्ता। संबल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, दो ट्रकों में हुई जोरदार भिड़ंत, एक ट्रक चालक की हुई मौत। सीतापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अव्यवस्थाओं का शिकार बन चुका है, सीएचसी में लगा गंदगी का अंबार, इलाज करवाना हो रहा मुश्किल। पेपर लीक कांड में बड़ी कार्रवाई, निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पद से हटाए गए विनय कुमार पांडे निलंबित। गोरखपुर के तिहरे हत्याकांड का आरोपित पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, आरोपित ने पुलिस पर फायरिंग करी, जवाबी फायरिंग में गोली लगने से उसके दाहिनी पैर हुआ घायल। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा, सभी राजपत्रित अधिकारी विद्यालयों को ले गोद, स्कूलों को संवारने में दे योगदान। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई पकड़ा गया, प्रयागराज पुलिस लाइन में अभ्यर्थियों की हो रही थी शारीरिक परीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को बूस्टर डोज लगाने में लाई जाए तेजी। यूपी के सरकारी महकमे में तैनात चौकीदार निकला महाचोर, अफसरों की नाक के नीचे से किया करोड़ों का घोटाला। नोएडा में अगले एक सप्ताह तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, चलेगी हीट वेव। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू, इस बार बढ़ाए गए 1500 परीक्षा केंद्र। लखनऊ में राष्ट्रीयकृत बैंक का कारनामा, एक ही नंबर के दो चेक, फिर भी कर दिया भुगतान। वेस्ट यूपी में आफत की आंधी ने खूब मचाई तबाही, कई जगहों लगी आग, खंभे और तांबे टूटे, पेड़ गिरे।
फतेहपुर में शराब माफिया मनमोहन सिंह के आलीशान मकान पर चला बाबा का बुलडोजर, करोड़ों की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा संज्ञेय अपराध में पुलिस के पास असीम शक्ति, चार्जशीट के बाद भी कर सकती है विवेचना। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा, प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य का दावा, लोकसभा चुनाव में यूपी से जीतेंगे 75+ सीटें। शिवपाल यादव का अखिलेश पर तंज, बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि, सपा में मेरा सिर्फ अपमान हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश में अनावश्यक कटौती से नाराज, अतिरिक्त बिजली खरीदने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे केदारनाथ धाम, यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही पुनर्निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। ऋषिकेश में खतरनाक घाटों पर लापरवाही की डुबकी, पर्यटकों को पड़ रही है भारी, दिल्ली का युवक डूबा। उत्तराखंड के शिक्षण संस्थानों पर भी मंडराने लगा कोरोना का साया, ददून स्कूल का छात्र और कारमन में शिक्षक संक्रमित। राजाजी टाइगर रिजर्व में जंगलों की आग से हाहाकार, काबू की मांग, एसडीआरएफ की मदद। कांग्रेस में उत्तराखंड में बड़े बदलाव के साथ आकार लेगी टीम माहरा, उभारे जाएंगे दूसरी और तीसरी पांत के नेता। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा में जाने की अटकलों को किया खारिज, कहा शिखंडी को आगे कर मेरी हत्या नहीं की जा सकती। शपथ पत्र में जानकारी छिपाने पर कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी फंसे, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। कांग्रेस ने भुवन कपाड़ी समेत 3 पर्यवेक्षक किए नियुक्त, रायशुमारी से तय होगा प्रत्याशी। चारधाम यात्रा के लिए 1,66,314 यात्रियों का पंजीकरण, दिखा सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम का क्रेज। स्कूली बच्चों की परिवहन सुविधा और सुरक्षा पर सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट, को निजी स्कूलों के खिलाफ की गई थी टिप्पणी। आईसीएसई और सीबीएसई की परीक्षा आज से, केंद्रों में सैनिटाइजेशन, पूर्ण एक कक्ष में बैठे केवल 18 परीक्षार्थी। देहरादून के विकास के लिए 4 अरब का बजट मंजूर, वहीं गृहकर से 50 करोड़ की आय का लक्ष्य। देहरादून में साइबर ठग ने खुद को सेना अधिकारी बताकर 2 लाख रुपए उड़ाए। रुद्रपुर मायके में भेजा असहनीय प्रताड़ना का मैसेज, हल्द्वानी की विवाहिता ने जहर खाकर दी जान। ऋषिकेश महापौर अनीता ममगाई का फेसबुक पेज हुआ हैक, हैकर खिलवा रहा है वीडियो गेम। रिपोर्ट में खुलासा, पाकिस्तान के मदरसों में तैयार होते हैं भारत के लिए आतंकी, कश्मीर पर अब भी सेना ही बनाती है नीति।
मस्क और ट्विटर डील के बाद भी ट्विटर पर वापसी नहीं करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, कहा अब मैं ट्रुथ सोशल पर ही रहूंगा। मारियूपोल में बूचा से भी बड़े नरसंहार का दावा, सैटेलाइट तस्वीरों में कतार में 200 से भी ज्यादा कब्र। नवाज शरीफ लौटेंगे पाकिस्तान, पीएम शहबाज शरीफ ने बड़े भाई के लिए जारी किया 10 साल का पासपोर्ट। पाकिस्तान का पंजाब विधानसभा बना अखाड़ा, आपस में भिड़े विधायक, धक्का मुक्की में स्पीकर का हाथ टूटा, 3 विधायक हुए अरेस्ट। रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम पर तुर्की ने अमेरिका को सुनाई खरी खरी, इसका भारत से है लिंक। अपने 7 बंदरगाहों पर यूक्रेन ने 18 देशों के 76 विदेशी जहाजों को किया ब्लॉक, रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा। एलन मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीदा, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने यूजर से किया बीट। शंघाई में कोरोना का कहर, एक दिन में सबसे ज्यादा 52 लोगों की मौत, करीब 17,000 नए मामले। यूक्रेन के 5 रेलवे स्टेशनों पर रूस का हमला, दर्जनों के मरने की आशंका, रिफाइनरी और बिजली घर भी हमले से हुए बर्बाद। अगर एलन मस्क ने ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल को हटाया तो चुकाने होंगे $42 मिलियन। आम्रपाली में फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छी खबर, बैंकों ने प्रोजेक्टों के लिए जारी किए ₹280 करोड़। कोयले की कमी से जूझ रहे कई राज्य, बिजली कटौती हुई शुरू, बंगाल और राजस्थान को नहीं हो पा रही है बिजली की सप्लाई। आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगाया ₹1.12 करोड़ का जुर्माना, केवाईसी नियमों के उल्लंघन का मामला। जून में महंगा हो सकता है लोन, आरबीआई महंगाई काबू करने को बढ़ा सकता है रेपो रेट। गौतम अडानी की कंपनी ने 77 दिनों में दिया निवेशकों को 250% का रिटर्न, मार्केट वैल्यू पहुंचा ₹1 लाख करोड़ के पार। घर में बैठे असली और नकली आधार कार्ड की कर सकते हैं पहचान, युदई ने बताया तरीका। वित्त मंत्रालय ने कहा जीएसटी दरों पर राज्यों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मांगी गई। सोने की कीमत में जबरदस्त गिरावट, चांदी भी हो गई सस्ती। बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स में 700 अंकों से भी ज्यादा का उछाल डॉलर के मुकाबले, आज रुपया 19 पैसे के उछाल के साथ बढ़ा। आईपीएल 2022 में पॉइंट्स टेबल के बॉटम पर पड़ी है मुंबई इंडियंस की टीम, प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही हो चुकी है बाहर। शिखर धवन आईपीएल में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बने, हिटमैन का भी तोड़ा रिकॉर्ड।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान के लिए बड़ी राहत, नक्सलवाद के आरोपों से किए गए बरी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारतीय टीम को मिल सकती है बायो बबल से राहत। मुंबई के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने के बाद रोहित शर्मा ने कहा, कई खेल दिग्गज इस चरण से गुजरे हैं। मुंबई की लगातार 8 हार पर रोहित शर्मा का रिएक्शन आया सामने, शेयर किया इमोशनल पोस्ट। ब्रायन लारा बोले, राशिद खान की इकोनॉमी अच्छी लेकिन विकेट निकालने की क्षमता वॉशिंगटन सुंदर की बेहतर। रायडू की दमदार पारी पर भी चेन्नई को नहीं मिली जीत, रबाडा के ओवर से पलटा मैच। सेफ्टी शील्ड पहनकर उतरा पंजाब किंग्स का गेंदबाज ऋषि धवन, चेन्नई के विस्फोटक बल्लेबाज को किया क्लीन बोल्ड। चेन्नई की छठी हार, पंजाब ने दी रोमांचक मुकाबले में मात, शिखर धवन की नाबाद अर्धशतकीय पारी के दम पर टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट लिए। अनुष्का शर्मा ने नेट पर की जबरदस्त गेंदबाजी, वीडियो देख झूलन गोस्वामी ने किया रिएक्ट। अक्षय कुमार ने शुरू की साउथ फिल्म के रीमेक की शूटिंग, राधिका मदान बनेंगी उनकी हीरोइन। सूर्या के जयपुर सेट से लीक हुआ सनी देओल का एक्सक्लूसिव लुक, बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी के थ्रिलर फिल्म जोसेफ के रीमेक को लेकर आजकल काफी चर्चाओं में है। अजय देवगन ने यशराज मुखाटे संग फिल्म रनवे 34 पर किया रैप, वीडियो हो रहा है वायरल। गले में मंगलसूत्र और साड़ी पहने नजर आई सुरभि चंदना, नागिन एक्ट्रेस को पहचानना हुआ मुश्किल। ईद के मौके पर रनवे 34 को रिलीज करने पर अजय देवगन ने की थी सलमान खान से बात, पता चलने पर भाईजान ने दिया था रिएक्शन। शाहिद कपूर पैसे खर्च करने से पहले लेते हैं मीरा राजपूत से परमिशन, फैमिली मैन बनने के बाद बदली एक्टर की जिंदगी। लॉकअप में कंगना रनौत के शो में अंजलि अरोड़ा से भिड़ी आजमा फला, गुस्से में कहा मुनव्वर के हाथों और पैसे की मिसाल कर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गिनाई बॉलीवुड की कमियां, बदलना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री का नाम। प्राइम वीडियो लेकर आ रहा है मुंबई की अनोखी कहानियां, विशाल भारद्वाज और हंसल मेहता समेत 6 डायरेक्टर आएंगे एक साथ। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।